क्या आज भी है? बिल्कुल है। कहां है? एंजी का तू तो बता दे अंदर नाम उसका कहां था। सुभान अल्लाह, आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूं, एक नए अंदाज में नाम उसका पेश कर रहा हूं। ये इंजील की किताब है जिसे जिसका एक चैप्टर है जॉन, और इसका चैप्टर नंबर 16 है और वर्स नंबर 7 वर्स नंबर 8। इसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रुथ, ताहम मैं तुम लोगों को सच बताने लगा हूं। उन्हीं बनी ईसाई के लोगों की बात हो रही है जिनके बारे में कुरान बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को निशान पैदा करवा दिया। अब इंजील बताती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस अंदाज से उनकी बात पेश करेंगे। नेवरदलेस ताहम आई टेल यू द ट्रुथ, मैं तुम लोगों को सच बताने लगा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इट इज टू योर एडवांटेज, ये तुम्हारे नफा की बात है, दैट आई गो अवे, कि मुझे जाना है मैं जाऊंगा, इसमें तुम्हारा फायदा है। द काउंसलर विल नॉट कम टू यू बट इफ आई गो, वो मददगार वो ताउन करने वाला नहीं आएगा जब तक मैं ईसा चला नहीं जाऊं, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। आई विल सेंड हिम टू यू, और जब मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए उस मददगार को भेजूंगा। And when he will come, he will convince the world concerning sin and righteousness and judgment. जब वो आ जाएगा वो सारी दुनिया को कायल कर देगा और माइल कर देगा किसकी तरफ, हक की तरफ, सच्चाई की तरफ और इंसाफ और आदल की तरफ, और वो सारी दुनिया को खोल खोल के बता देगा नेकी ये है बुराई ये है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। ये पहले हुज़ूर की शान इंजील से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब दूसरी दुनिया सेंट मार्क चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 7 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये आपको हवाले में खूब पेश करके सुना रहा हूं, घबराने की बात नहीं। कायदा है अल फज़ल मा शहिदत बिल अदा अदा, फजीलत वो होती है कि जिसका दुश्मन भी कायल हो। कुरान करीम से हुज़ूर की शान बयान करना ये तो आप रोज सुनते, हदीस रसूल से सुनना बयान करना ये तो रोज का मामूल है, लेकिन मजा तो तब है कि जब वो जो मोहम्मद अरबी को नहीं मानते उनकी किताब भी खोल खोल कर कहती हो अरे रसूल तो आ है परेशान हमारी किताबों में भी सेठ बात है। चैप्टर नंबर 1 है वर्स नंबर 7 है एंड ही प्रीच ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, क्या सही ये कहते हुए आफ्टर मी मेरे बाद कम्स ही हु इज द माइटी एंड द नाउ, मेरे बाद वो आएगा जो मुझसे भी बड़ी शान वाला है। द थॉर्न्स ऑफ हूज सैंडल्स आई एम नॉट वर्थी टू गो डाउन एंड अनटाई, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसका मर्तबा यह है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसकी शान के सामने झुकू और झुक कर मैं उसके जूतों के तस्मे भी खोलू। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की तोहीन और तहकीर नहीं है, क्यों? ये कसरे नफसी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी सारी का इजहार फरमा रहे हैं ज़ाते मुस्तफा के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद वो आएगा जो मुझसे भी आलीशान है, मुझसे भी बुलंद मर्तबे वाला है। द थॉन्स ऑफ हूज शूज हूज सैंडल्स जिसके जूतों के तस्मे आई एम नॉट वर्थी, मैं काबिल नहीं हूं टू गो डाउन कि मैं झुकूं एंड अनकाय और उसके जूतों के तस्मे में खोल सकूं ज़ाते मुस्तफा। और आगे चल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं दो मजीद हवाले पेश करके फिर जुमा की अदा का मौका चाहता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे इफ यू लव मी ईसाइयो मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों नसारा बनी इसराइल इफ यू लव मी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो यू विल कीप माई कमांडमेंट्स तुम मेरे हुक्म की पाबंदी करोगे एंड आई विल प्रे द फादर और मैं रब से दुआ करूंगा। यहां फादर का माना बाप नहीं है, याद रखिए रब का माना भी अरबी में बाप होता है। आई विल प्रे द फादर और मैं अदऊ इला रब मैं अल्लाह से दुआ करूंगा रब पालने वाले से एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर और मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हें एक और मददगार अता फरमाएगा। हु विल बी विद यू फॉरएवर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते ईसा फरमाते ये वो होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ कयामत तक के लिए तुम्हारे साथ रहेगा और अगर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तो कुरान बता रहा है अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलनाका का या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा ए मोहम्मद अरबी ए नबी हमने आपको शाहिद बनाया है किसके लिए हर जमाने के लिए। तो लाजिम है कि जो हर जमाने का शाहिद
और ईसा अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। यहां तक बात पहुंची, अब आप ही हवाला पेश कर रहा हूं और ये हवाला बर्नबास का है, वर्स नंबर 17। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड द होली वंस एंड शैल शेड एंड ही विल बी द वन हु विल शेड द लाइट अपॉन द डार्कनेस ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स व्हिच दे हैव सेंट बिकॉज ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फरमाया मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला, स्प्लेंडर ऑफ द प्रॉफिट, सैयदुल अंबिया आने वाला, नबियों का सरदार आने वाला है, रसूलों का सरदार आने वाला है एंड द होली वन, और जितनी भी ज़बान के मुकद्दसा है उन सब का सैयदुल सरदार आने वाला। एंड ही विल शेड द लाइट अपॉन द डार्कनेस ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, वो उस चीज पर रोशनी डालेगा कि जो नबी अपनी अपनी कौमों को तब्दील कर रहे हैं लेकिन वो कौमें छुपाती रही है, ये मोहम्मद वो है जिसे वो छुपाते रहे हैं, मोहम्मद नबी कौन बोल के बताने वाला, बिकॉज ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। और उसकी ये शान कि आप छुपी हुई चीज को खोल के बता रहा है, ये शान इसलिए है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ है। द नेम ऑफ मसीह हारून का नाम बता रहे हैं इसमें सब खत्म हो गए। द नेम ऑफ द मसीह इज हाइलेवल, उस मसीह उस भेजे हुए मसीहा का नाम काबिले तारीफ है, काबिले मोहब्बत है। फॉर गॉड हिमसेल्फ गेव हिम गेव हिम द नेम, और अल्लाह ही वो खुद है जिसने उसे अपना प्यारा नाम अता फरमाया। हम उनमें से मुश्ताक है, अल्लाह का नाम हमीद है ना, वो भी हम से निकला है, मोहम्मद भी हम से निकला है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने खुद उसको नाम अता फरमाया। ही क्रिएटेड हिज सोल, अल्लाह ने उसकी रूह को बनाया एंड प्लेस्ड इट इन द सेलेस्टियल स्प्लेंडर, और अल्लाह ने उसे बुलंदों वाला अजमतों में रखा। गॉड सेड, अल्लाह ने फरमाया बेन मोहम्मद, ये इंजील के बाद बता रहा बेन मोहम्मद, ए मोहम्मद इंतजार करो, किस या मोहम्मद इंतजार करो मोहम्मद, फरदाय से तेरी खाते आई विल क्रिएट द पैराडाइज, मैंने जन्नतों को बना दिया है, द वर्ल्ड मैंने तेरी खाते सारी दुनिया को बना दिया है, एंड अ ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ क्रिएशन, और जितनी भी मखलूकात बनाई है मोहम्मद तू है, मैंने तेरी खाते बनाई। आई शैल सेंड दी इन टू द वर्ल्ड, मैं तुझे दुनिया में भेजूंगा, आई शैल सेंड दी एज माय मैसेंजर ऑफ सल्वेशन, और मैं तुझे नजात दहिंदा बनाकर भेजूंगा, नजात दहिंदा बनाकर भेजूंगा। समझो सुनिए, नजात दहिंदा, काजी हिजाज फरमाते हैं कयामत के दिन हर नबी की कौम अपने नबी के पास जाएगी, वो कहेंगे नहीं आज दूसरे के पास, आज दूसरे के पास, आज दूसरे, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज तो निजात दहिंदा जात है मुस्तफा, हुजूर फरमाएंगे अन रहा, हां मैं ही आज के लिए हूं, आज मैं ही बख्शिश करवाने वाला हूं, आज मैं ही सिफारिश करवाने वाला हूं, अन रहा आओ मेरे पास। तो यही इंजील भी कह रही है, मैसेंजर ऑफ सालवेशन, निजात दहिंदा, एंड थाय वर्ड शैल बी ट्रू, अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद तेरी जुबान पर हमेशा कलेमा हक होगा। इट इज सो मच, और ये इस कदर होगा, दैट द हेवन एंड अर्थ शैल फॉल, जमीन और आसमान को जवाल आ सकता है बट थाय फेथ शैल नॉट फॉल, लेकिन तेरा दीन वो है जो कयामत तक जवाल पजीर होने वाला नहीं। ये जुबान ईसा अलैहिस्सलाम से, किताबें इंजील से आपके सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान होती है। अज़ीज़ा निगरानी कर, ये अल्लाह के वो नबी है कि जिनकी जिनका जिक्र किसकी जुबान पर आ जाए कभी दुनिया उसे आलिम कह रही होती, जिनका जिक्र किसी की जुबान पे आ जाए कभी उसे दुनिया फकीर कह के उसका इकरार करती है, जिनका जिक्र किसी की जुबान पे आ जाए दुनिया उसे वली मानती है, जिनका जिक्र उसकी जुबान किसी पर आ जाए तो दुनिया उसको मुहद्दिस और मुजद्दिद मानती है। अरे जिसका जिक्र बंदे को दर्जा